प्रयागराज के यमुनानगर में 28 साल पहले लापता हुआ पिता अचानकर हरियाणा में जिंदा मिला है, जबकि उसके बेटों ने उसे मरा हुआ समझकर उसका क्रियाक्रम भी कर दिया था। जी हाँ, ये यकीनन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लग रही है। मूल रूप से यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले रोहित की कहानी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। रोहित 28 साल पहले घर से लापता हो गए थे। ढूंढने पर भी ना मिलने के बाद उनके घर वालों ने उनका क्रियाक्रम कर पिंडदान भी कर दिया था, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने 28 साल पहले बिछड़े पिता को उसके परिवार से मिलवा दिया। पिता को वापस देख घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सब इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। लेकिन इस फिल्म में जो बिछड़ों को मिलाने की भूमिका रही वो थी हरियाणा पुलिस स्टेट क्राइम ब्रांच की। क्राइम ब्रांच की पंचकूला टीम में तैनात एसआई राजेश कुमार की कोशिश ने गुमशुदा व्यक्ति को उसके परिवार से मिलवा दिया। बीते दिनों असी राजेश कुमार को मगरपुर में नियासरेदा आसरा आश्रम के संचालक जसकीरत सिंह ने बताया कि रोहित नाम का व्यक्ति उन्हें लावारिस मिला है। इस बात की जानकारी होते ही एसआई राजेश वहां पहुंच गए। इसके बाद एसआई ने लावारिस व्यक्ति की एक घंटे काउंसलिंग की, जिस पर उसने अपना नाम रोहित, पिता का नाम विश्वनाथ और गांव का नाम झीलवर बताया। इसके साथ ही बताया कि वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड में नौकरी करता था, इससे ज्यादा उसे कुछ याद नहीं था। इसके बाद एसआई ने गुमशुदा व्यक्ति की तलाश शुरू की, नेट की सहायता से सर्च किया, बहुत सारे गांवों में संपर्क किया पर कोई सफलता नहीं मिली। इसी दौरान एसआई का यूपी के मिर्जापुर में मेला गांव के सरपंच से संपर्क हुआ। सरपंच को रोहित की फोटो और बाकी डिटेल भेजी। इस पर सरपंच ने बताया कि ये व्यक्ति हमारे गांव से 25 साल पहले जाकर अपने ससुराल में रहने लगा था। उन्होंने तहसील और गांव का पता बताया। इसके बाद प्रयागराज जिले के मांडा में संपर्क किया गया। फिर किसी तरह रोहित के घर वालों से संपर्क हुआ, तब अमरनाथ ने बताया कि मेरे पिता रोहित की आयु 30 साल थी। वो मिर्जापुर होमगार्ड में कांस्टेबल की नौकरी करते थे, वहीं से गुम हो गए थे। हमने बहुत तलाश की पर कहीं नहीं मिले। इसके बाद परिवार वालों से वीडियो कॉलिंग कराई गई। अमरनाथ ने अपने पिता को पहचान लिया। साल के बाद मिले हैं, बहुत खुशी हुई है। इनका क्रियाकर्म तक हम लोग कर चुके हैं, अपने हिसाब से ये मर चुके थे, मगर क्राइम ब्रांच राजेश के द्वारा वीडियो कॉलिंग से बात हुआ तो पहचाने हम, उन्हीं के जरिए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जसकीरत जी हैं, नी आसरे दासरा, इनके संपर्क में रहता हूँ और यहाँ पे आता रहता हूँ और इनके परिवार से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आया तो भाई साहब ने बोला कि ये बुजुर्ग हैं, बहुत दिनों से हमारे को शाहबाद मिले थे अप्रैल के महीने में, तो आप इनका परिवार तलाश करें। तो मैंने इससे काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में अपना नाम है रोहित और पापा का नाम है बताया और एक विजुअल कर रहा था, तो मैंने उसके आधार पर इसको सर्च करना स्टार्ट किया। तो मैंने 8-7 दिन में इसका परिवार तलाश कर लिया और इसके जो बिजवल गांव से पता लगा कि भाई ये जो इसका परिवार है ये यहाँ से 20-25 साल पहले छोड़कर प्रयागराज में चला गया भाटा गांव में, तो वहाँ से संपर्क किया, वहाँ फोटो भेजा, उन्होंने पहचाना और बताया कि भाई जो इसके बेटा है अमरनाथ वो मारुति कंपनी में काम करता है और गुड़गावा में रहता है। तो फिर मैंने उससे संपर्क किया, वीडियो कॉलिंग कराई, उन्होंने पहचाना, उसने बताया कि जी मेरा पापा है जो होमगार्ड में यूपी में काम करता था और ये कम से कम 28-30 साल पहले से गुम हो चुका है, हमने बहुत तलाश किया, हम तो क्रियाक्रम भी कर चुके हैं पर हमारा पिता का नहीं पता, ये बताइए कहाँ पे मिला। जी आपका पिताजी बिल्कुल सुरक्षित है और नी आसरेदा आसरा मगरपुर ये हरियाणा में है, आप आओ और वहाँ पे अपने पिताजी को मिलो। तो आज मैं इनको साथ लेकर आया, उन्होंने अपना पिताजी पहचान लिया है और इसके पिताजी ने भी कुछ पहचान बताई है, उसके आधार पर आइडेंटिफाई हो गया है, अभी अपने परिवार में जा रहा है, 28-30 साल के बाद अपने परिवार में जा रहा है। सर मैं 2016 से ये हरियाणा पुलिस में मुझे एक सेवा का मौका मिला और एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल में रहकर मैं ये मेरे को ये जानकारी इस प्रकार की मिलती है और मैं इन परिवारों को मिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैं 538 बच्चे महिलाओं को परिवार तक मिलवा चुका हूँ और हमें मैं हरियाणा पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मुझे हरियाणा पुलिस में आकर ये कुछ सीखा है और मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल में रहकर ये सेवा कर रहा हूँ। तो ये मेरे जो श्रेय है मेरे ऑफिसर को, सीनियर अधिकारी को, मेरी टीम को और पुलिस ऑफिसर
परिसरों को जाता है, जो मुझे ये सेवा का मौका दिया है। न्यूज़ डेस्क।